Hey guys, welcome back to another video. This video is from Hamleys. Actually, अभी हाल में मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि Hamleys में उनको कुछ मैचबॉक्स नजर आई थी. I also keep visiting, मुझे नहीं नजर आई थी, so I came to check it out. और क्या है यहाँ पे, I'm about to show it to you. पहले मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ. सो सी राइट हियर यू कैन सी दिस इज फाइव पैक्स वगैरह, लेट्स रेस, एक्स रे रेसर्स, रेट्रो रेसर्स, एक्शन, गेट अवेज. तो जितने फाइव पैक्स हैं, ड्रिफ्ट वाले फाइव पैक हैं इधर, एक दो तीन, और आई थिंक एक शायद इधर भी था, चार. नीचे टू पैक्स हैं, सिंगल्स बिल्कुल भी नहीं है. तो ऑल ऑफ दिस इज नॉर्मल. देन वी कम ऑन हियर, दिस इज टोर्नेडो ट्रैक, दिस इज अ ट्रैक सेट. ये एक ट्रैक सेट है, ये एक और ट्रैक सेट है. बट what is really interesting here is this is matchbox kena working rigs. so they've actually made matchbox ka ek set hai working rigs ka. this has four pieces in it. side se agar main aapko dikhaunga na, isme cement king hd likha hua hai, aur fir yahan pe agar main aapko dikhaunga, idhar likha hua hai road grader. yahan pe agar main aapko dikhaunga, mobile crane likha hua hai, aur yahan pe agar main aapko dikhaunga, likha hua hai GMC 3500 attenuator truck, GMC 3500 attenuator camion. तो दो नाम है इसके, दोनों नाम से चलता है. डिटेल्स की बात कर लें, यहाँ पे चारों गाड़ियों का नाम लिखा हुआ है, मेड इन थाईलैंड, थाईलैंड में ये बनता है. प्राइस अगर आप ध्यान से देखोगे 549 लिखा हुआ है, बट दैट इज 549 पर पीस. तो चार पीस का टोटल आपको 2199 2200 देने पड़ते हैं. नाउ वी कम ऑन हियर, पैकेजिंग इसकी काफी अच्छी है, बॉक्स पैकेजिंग है. इस तरीके से आप बॉक्स को खोलोगे ना, तो दिस इज हाउ इट ओपन्स अप. ओपन करने के बाद दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एक काम करता हूँ सुविधा के लिए, सबको पहले मैं निकाल के ऐसे ऐसे रख लेता हूँ बाहर. ये इस तरीके से इनका ऐसे बना रहता है, यू नो, दे हैव देयर ओन ब्लिस्टर. बॉक्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, इट कैन बी यूज फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो, एंड इट्स प्रीटी गुड टू लुक एट ऑल्सो. दिस इज अ रोड ग्रेडर. तो बेसिकली इसका जो ये पार्ट होता है ना है, विच इज यूज फॉर रोड ग्रेडिंग, रोड रोलर टाइप का, जो मतलब ऐसे रोड को लेवल करने के काम आता है. आई थिंक इट इज समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट अ टेक्निकल गाई, सो लेट मी नो इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली और नॉट. बेस इसका ऐसा है, रोड ग्रेडर लिखा हुआ है, डिटेल्स वगैरह लिखे हुए हैं, मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है. बट देन वी कम ऑन टू रियर साइड प्रोफाइल. साइड प्रोफाइल में आप देखोगे केबिन की डिटेलिंग ठीक ठाक है, और ये पार्ट आपका मूवेबल है, विच मेक्स इट क्वाइट कूल, एंड दीज आर ऑल वेरी फ्री रोलिंग. तो इस तरीके से आप इसको आराम से रोल कर सकते हो. ऊपर की डिटेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, जिस ब्रांड का है, आई थिंक उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है. आई एम नॉट टू बिग ऑन कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, तो अगर कुछ गलती भी हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना, आई विल बी हैप्पी टू लर्न. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. अच्छा, प्लस इट गेट सिक्स व्हील्स, 2+2+2, तो ऐसे सिक्स व्हील्स मिल जाते हैं आपको. दिस इज प्रीटी कूल इन इटसेल्फ. देन वी कम ऑन हियर, दिस इज एक्चुअली अ क्रेन ट्रक काइंड ऑफ अ थिंग. इसका पहले नाम नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं. यहाँ पे नाम अगर आप देखोगे ना, मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है. हियर यू कैन सी क्रेन रिटन, सिर्फ और सिर्फ क्रेन लिखा हुआ है. देन वी कम ऑन हियर, इसमें भी आपको सिक्स व्हील्स मिल जाते हैं. सो यू गेट दीज, एंड दीज आर नॉट रबर टायर्स, आई डोंट थिंक दीज आर रबर, और आर दीज रबर? नो, दे फील सॉफ्ट, बट दीज आर एक्चुअली प्लास्टिक, दीज आर नॉट रबर. यू गेट सिक्स व्हील्स इन दिस रैनेक वाला जो ये है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज ये पार्ट आपका पूरा मूव करता है. ये ऊपर भी होता है और ये थोड़ा साइड वेज भी जाता है. तो इस तरीके से ये साइड वेज भी जाएगा. आई जस्ट शो इट लाइक दिस, प्रॉबेबली दिस इज अ बेटर एंगल टू शो. ये देखो साइड से ऐसे मूव करता है, एंड दिस इज व्हाट अ हाइड्रोलिक काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये ऊपर नीचे भी होता है. फ्रंट से अगर आप इसको देखोगे, फ्रंट से इट लुक्स प्रीटी गुड. 3600 लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इट सिग्निफाइज. आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैन इट लिफ्ट 3600 टन्स और समथिंग, व्हाट डज इट सिग्निफाई. यहाँ से इस तरीके से आप ओपन भी कर सकते हो, स्विवल भी कर सकते हो. हाइड्रोलिक टाइप का दिया हुआ, आई डोंट थिंक इट्स अ रियल हाइड्रोलिक, बट इट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक अ हाइड्रोलिक. कि मतलब जिस लेवल पे आप इसको ला के छोड़ते हो ना, जैसे ऊपर कर दिया तो ऊपर, नीचे कर दिया तो नीचे, जिस लेवल पे ला के छोड़ते हो उस लेवल पे रहता है. पीछे से भी इसकी लुक काफी अच्छी है. सो दिस इज द सेकेंड वन, दो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, रोड ग्रेडर और क्रेन. देन वी कम ऑन हियर, दिस वन एक्चुअली फील्स क्वाइट लाइट, एंड इसका नाम जो है ना, दैट इज द अटेनुएटर ट्रक, मेड इन थाईलैंड. ये पार्ट इसका ऐसे ओपनेबल है, तो दिस पार्ट ओपन, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो, एंड दिस बिकम्स लाइक अ लोडिंग बे. बट दिस इज एक्चुअली क्वाइट लाइट, ऐसे पकड़ने में काफी हल्का हल्का सा फील कर रहा है, विच इज इंटरेस्टिंग. ऐसा दिस फील्स क्वाइट लाइट टू होल्ड, एंड आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आप खरीदने जा रहे हो तो आपको आइडिया रहेगा, यू विल नॉट बी शॉक्ड. फ्रंट से जीएमसी की डिटेलिंग की हुई है ग्रिल पे, विच लुक्स नाइस. हेडलैम्प वगैरह की कोई खास नहीं है, बट साइड से जो ये डिकल्स दिए हुए हैं एमबीएक्स कंट्री रोड वर्क्स के, दैट इज वेरी नाइस. इंटीरियर की भी डिटेलिंग की हुई है.
आई लव द पिकअप बे एंड ऑल्सो दिस पार्ट सेज लेन क्लोज्ड अहेड एंड दिस पार्ट एक्चुअली ओपन. तो इस तरीके से आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो विच इज वेरी नाइस. नीचे इसमें आपको ये पूरा जो टैंक वगैरह की डिटेलिंग होती है डीजल टैंक वगैरह की वो सब आपको की हुई है. ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल वन. एंड फाइनली वी कम ऑन हियर. दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे. दिस इज एक्चुअली द कॉन्क्रीट मिक्सर. नाम इसका अगर आप देखोगे लिखा हुआ है सीमेंट किंग HD. दिस इज वॉट इट सेज. पीछे इसमें भी आपको 6 व्हील्स मिलते हैं. तो बस अभी इससे पहले जो मैंने आपको अटेन्यूएटर दिखाया था GMC वाला दैट इज 4 व्हील्स. Everything else is 6 wheels in this set. Front की डिटेलिंग काफी अच्छी है. साइड में आपको किंग कॉन्क्रीट लिखा हुआ मिलता है. एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली मूवेबल. इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो विच इज वेरी कूल. इट्स अ लॉट ऑफ प्ले वैल्यू. ऐसे मतलब मजा आएगा करने में. इट्स फन टू डू दैट. ये खुलता है कि नहीं आई एम नॉट श्योर. आई डोंट थिंक ये खुलेगा. बट हाँ इस तरीके से इसमें पाइप वगैरह बनी हुई है कि इसमें कंक्रीट जब मिक्स हो जाएगा तो इधर से पोर होगा. डिटेलिंग इसकी काफ़ी अच्छी की हुई है एंड पेंट क्वालिटी इज आल्सो वेरी नाइस. द ब्लैक एंड येलो पेंट स्कीम इज ब्यूटिफुल. सो दिस इज इट गाइस. छोटी सी वीडियो बनी है जैसा कि आप देख सकते हैं. ये वाला जो मैंने आपको दिखाया दिस इज द कॉन्क्रीट मिक्सर. इसमें आपका ये पार्ट पूरा मूविंग है. दिस पार्ट ऑल्सो यू नो थोड़ा थोड़ा ऐसे है. इसको आप मूव कर सकते हो विच इज वेरी नाइस. एंड दिस इज फुल मेटल. Then we come on here. This was the GMC truck. इसमें भी आपकी डिटेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है. एंड दिस पार्ट इज मूवेबल. तो मूविंग पार्ट्स वाले ट्रक्स हैं इसलिए इसमें सब में कोई ना कोई पार्ट आपको मूविंग मिलेगा. दिस इज द रोड ग्रेडर. रोल वगैरह तो काफ़ी फ्रीली करता ही है. एंड दिस पार्ट यू नो दिस पार्ट इज समथिंग विच इज मूवेबल. तो यू कैन मूव दिस पार्ट. एंड फाइनली ऑफकोर्स वी गॉट द क्रेन विच इज लाइक प्रॉबेबली एवरीवन्स फेवरेट क्योंकि दो तरफ से आप इसको मूव कर सकते हो. यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑल्सो. ऐसे ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हो. एंड देन यू कैन टर्न इट ऑल्सो. ऐसे आप लेफ्ट और राइट भी इसको आप टर्न कर सकते हो. सो स्मॉल वीडियो. होप यू लाइक डेट. इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी थी आप मुझे कमेंट करके बताना. थैंक यू.